अपनी विचार शक्ति को स्वस्थ और कार्यशील रखने के लिए प्रतिदिन लॉजिकली एक पजल सॉल्व करते हुए हम यहां तक पहुंचे, तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल के दो भाग हैं। पहला भाग, एक वुडन क्यूब जिसकी एक साइड है 16 सेंटीमीटर 216 इक्वल क्यूब में काटा गया। अब आपको बताना है 216 जो छोटे छोटे क्यूब बने उनकी साइड एक साइड कितनी होगी। उत्तर मैं बताऊं, सिंपल है, 16 बाई 6 सेंटीमीटर। वीडियो रोकें और प्रूव करें। वीडियो रोकने की भी जरूरत नहीं है, प्रूव हो जाएगा। कैसे? क्यूब को जिस तरह से चित्र में दिखाया गया उस तरह से काटा गया। क्लियर है? हर एज को 6 भाग में बांटा गया, इसलिए क्यूब्स कितने बने? 6 × 6 × 6 216। साइड कितनी हो जाएगी? 16 बाई 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इस पजल का दूसरा भाग। दूसरे भाग में आपको दिया गया है एक क्यूब। क्यूब को लाल रंग से रंग दिया गया। लाल रंग से रंगने के बाद इसको काटा गया, 6 कट लगाए गए। 6 कट आप फिगर में देख रहे हैं। दो प्रश्न हैं, कितने क्यूब्स बने, कितने छोटे छोटे क्यूब्स बने। दूसरा प्रश्न है, जो छोटे छोटे क्यूब्स बने उन क्यूब्स में कितने क्यूब्स के ए एक साइड लाल रंग से रंगा था, बी दो साइड्स लाल रंग से रंगे थे, सी तीन साइड लाल रंग से रंगे थे, डी चार साइड लाल रंग से रंगे थे और ई एक भी साइड लाल रंग से रंगा नहीं था। आंसर सिंपल है। इस तरह की बहुत सारी पजल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आंसर। छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे 3 × 3 × 3 27 स्मॉलर क्यूब्स। दूसरा प्रश्न, छोटे छोटे क्यूब में ऐसे क्यूब होंगे जिनकी एक साइड पर लाल रंग लगा 6, दो साइड पर रंग लगा 12, तीन साइड पर रंग लगा 8, चार साइड पर रंग लगा 0 और एक भी साइड पर रंग नहीं लगा। ये क्यूब होगा बीच में 1। टोटल क्यूब कितने हो गए? 27। टैली हो गया हमारा नंबर। टैली इसलिए हुआ कि छोटे क्यूब्स में ऐसे क्यूब्स होंगे ही नहीं जिनके 4 फेस या 5 फेस या 6 फेसेस रंगे हो। सिंपल पजल है। 501 पजल की इस यात्रा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।